ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी दोस्तों आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूँ अगर ये उपाय आपने कर लिए तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देंगे भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी सबसे पहले सुबह उठते ही भगवान गणेश जी को प्रणाम करें उसके बाद में स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल के स्नान करें उसके बाद में भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। सबसे पहला कार्य लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का आपको जाप करना है भगवान को स्नान कराएं। स्नान का जो जल है अकाल मृत्यु हरम सर्व्यादि विनाशनम विष्णु पातुक दम पुनः जन्म नव ये इतना प्रभावशाली चरणामित होता है कि जो व्यक्ति इस चरणामित का पान करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और जो इच्छा बोल करके इस चरणामित को पीता है चाहे पुत्र की इच्छा हो या धन की इच्छा हो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तुलसी माता की पूजा जब भगवान को स्नान कराएं चंदन का टीका लगा लें भगवान के सामने तुलसी पत्र समर्पित करना है तुलसी पत्र समर्पित करते समय भगवान के सामने आपको क्या बोलना है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायनी आदि व्यादि नेताहत्यम तुलसी तुम नमस्तुते महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायनी आदि व्याधि हरा नित्यम यानी आदि व्याधि सभी को खत्म कर देती हैं आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते तो इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान के सामने तुलसी पत्र समर्पित करना या फिर ओम तुलसाई नमः उसके बाद में भगवान सामने एकादशी कथा का श्रवण करें गौ माता की पूजा का इस दिन बड़ा महत्व है जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है तो इस दिन एक फल ले जा करके गौ माता को अवश्य खिला दें इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा इस दिन पीपल व्रक के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें पितरों के नाम से दान पुण्य करें पितरों के नाम से दान पुण्य आपको अवश्य करना है इस दिन पीपल वृक्ष पर एक धागा जरूर लपेट के है इस दिन कई राशियाँ हैं जो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं जैसे मेष राशि वृषभ राशि मिथुन राशि सिंह राशि कन्या राशि वृश्चिक राशि धनु राशि कुंभ राशि और मीन राशि ये राशियाँ इस दिन बेहद ही ज्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं भगवान की कृपा से आपकी सारी व्यादाएं सारी परेशानियाँ दूर होंगी ये उपाय आपको जरूर करना है मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी तो पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको ये उपाय जरूर करने हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम नमो भगवते बासदेवा नमा जरूर लिखें